और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रोज रोज ये दोपहर तक सोने की इसकी आदत, परेशान हो गया हूँ मैं। गुड्डू, ए गुड्डू, उठ उठ। अरे बोल रहा हूँ उठ। अरे ओ गुड्डू, सुबह से चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया है। ओ नहीं उठेगा ना तू? रुक रुक तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ तेरी ये चीर निद्रा भगाने के लिए। देख मैं क्या उपाय करता हूँ। इतना उठाने के बाद भी जब गुड्डू नहीं उठा तो उसके पिता भद्रू ने एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। तब कहीं जाकर गुड्डू की आँख खुली। अरे ओ कब तक सोता रहेगा तू? आज मैं कबाड़ खरीदने नहीं जा सकता, आज तुझे जाना पड़ेगा। हल्की नींद में सोया गुड्डू थोड़ा चिढ़ गया और बोला, आओ वा पिताजी, कबाड़ कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, नींद पूरी हो जाएगी तब जाऊंगा। दिन चढ़ा आया है, सब घरों से कोई और कबाड़ी कबाड़ लेकर चला जाएगा और तू सोता रहेगा। अपने पिताजी की इतनी डांट सुनकर गुड्डू कबाड़ी का सामान इकट्ठा करने के लिए चला गया। पूरे गांव में घूम घूम कर गुड्डू ने बहुत सा कबाड़ी का सामान इकट्ठा किया और उसे बेचने के लिए निकल गया। अरे गुड्डू भैया, ये लो 20 पैसे की रद्दी हुई है तुम्हारी। बस 20 पैसे? अरे इतनी सारी रद्दी के बस 20 पैसे? मुझे पागल समझ रहे हो क्या? अरे ये जो लोहे का चिराग है इसके पैसे कौन देगा बताओ तो? मैं ये लोहे की चीजें नहीं खरीदता हूँ, इसके लिए किसी लोहे वाले कबाड़ी को पकड़ तू। कबाड़ी की ऐसी बात सुनकर गुड्डू घर के लिए निकल पड़ता है और जाते जाते रास्ते में सोचता है, अब कहाँ इस चिराग को लेकर लोहे वाले कबाड़ी को ढूंढूं, इसे घर ही रख देता हूँ, किसी और दिन बेच दूंगा। घर जाकर गुड्डू पैसे अपने पिताजी को देता है और चिराग अपनी माँ को देकर कहता है, माँ ये लोहे का पुराना चिराग आज कबाड़ में मिला था, इसे घर में ही रख दो, बाद में जाकर बेच आऊंगा। एक दिन गुड्डू की माँ और पिताजी उनके दूर के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाने का विचार करते हैं। बेटा गुड्डू, हम लोग हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएंगे, तुम बस समय पर खाना खा लिया करना। हाँ हाँ, खाना तो ये समय से खा ही लेगा, बस समय से सोकर भी उठ जाए तो बात बने। अगली सुबह गुड्डू वही अपनी पुरानी दिनचर्या के हिसाब से दोपहर को सोकर उठता है और सोचता है, आज तो माँ पिताजी भी घर में नहीं है, आज मैं कबाड़ का सामान इकट्ठा करने नहीं जाऊंगा, पहले कुछ खा लेता हूँ और फिर दोबारा सो जाऊंगा। इतना कहकर गुड्डू की नजर उस चिराग पर पड़ती है। अरे माँ बीना कितनी भुलक्कड़ है, ये चिराग अभी तक यहीं पड़ा है, इसे साफ तक नहीं किया है, ऐसे कैसे कोई कबाड़ी वाला इसका ज्यादा दाम देगा भला। गुड्डू अब अपने आप ही उस चिराग को साफ करने लगता है। जैसे ही गुड्डू इस चिराग को रगड़ता है उसमें से एक जिन बाहर आता है। कौन? मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। क्या गुलाम? तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मुझे अपनी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हो। मुझे तो लगता है अब मेरी गरीबी दूर होने का समय आ गया है। दादी की सुनाई सारी जादुई कहानियाँ सच होती हैं। ये जिन तो मेरे कब्जे में है, मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। अरे जिन, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ मेरे आका, मैं सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, बोलिए तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? हे जिन, मैं कल रात से भूखा हूँ, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे खाने के लिए अच्छे से अच्छे पकवान ला कर दो, जाओ। कुम मेरे आका। देखते ही देखते सोने की थालियों में ढेर सारा खाना गुड्डू के सामने आ गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन, अजी सुनते हो, अब अपना गुड्डू काफी बड़ा हो गया है, इसकी शादी के बारे में भी तो कुछ सोचिए। वो तो सोच ही रहा हूँ मैं, लेकिन इस कामचोर से शादी करेगा कौन? अपने माँ बाप की ऐसी बात सुनने के बाद गुड्डू को भी शादी करने का मन होने लगा। उसने तुरंत अपना चिराग रगड़ना शुरू किया और तभी चिराग से जिन बाहर आया। क्या हुकुम मेरे आका, आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हे जिन,
मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करनी है, तो फौरन पता लगाओ कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कौन है। जिन फौरन रवाना हो गया और थोड़ी देर में पता लगा कर आ गया। मेरे आका, मैंने इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का पता लगा लिया है। इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की रामगढ़ रियासत की अवंतिका नाम की एक राजकुमारी है। जिन की बात सुनने के बाद गुड्डू तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आप और पिताजी को रामगढ़ रियासत के राजा के पास जाकर उनकी राजकुमारी का हाथ मेरे लिए मांगना होगा। अरे गुड्डू, तू क्या पागल हो गया है क्या? ये मत भूल कि तू एक छोटे से कबाड़ी का लड़का है और वो एक पूरी रियासत की राजकुमारी है। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर गुड्डू उदास हो जाता है और वो फिर से अकेले में जाकर उस जादुई चिराग को रगड़ता है और उसमें से उसका गुलाम जिन बाहर आता है। क्या हुक्म मेरे आका, आपका ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हे जिन, तुमसे मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस भी किसी चीज को हाथ लगा दूं वो तुरंत सोने की हो जाए। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर जिन अपनी मायावी शक्तियों से गुड्डू के अंदर ऐसी ही शक्तियाँ डाल देता है। अब गुड्डू बहुत सी चीजों को हाथ लगाता है और बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लेता है। गुड्डू अपनी माँ के पास जाता है और उस जादुई चिराग के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। उसके बाद गुड्डू की माँ बहुत से उपहारों को लेकर रामगढ़ के रियासत के राजा के पास उनके इकलौती राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए जाती है। रामगढ़ का राजा इतने उपहार देखकर खुश हो जाता है और राजकुमारी की शादी गुड्डू के साथ करने के लिए राजी हो जाता है और बहुत धूमधाम से राजकुमारी और गुड्डू की शादी करा दी गई। घर आकर जैसे ही गुड्डू का हाथ राजकुमारी के हाथ से टकराता है, वैसे ही राजकुमारी भी सोने में बदल जाती है। अरे, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो राजकुमारी भी सोने में बदल गई है, अब मैं क्या करूं? गुड्डू जल्दी से उस जादुई चिराग को रगड़ना शुरू करता है और जिन को बाहर बुलाता है। अब तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी सभी 3 इच्छाएं पूरी कर दी हैं। हे जिन, मेरी मदद करो, मुझसे गलती से अपनी पत्नी को हाथ लग गया और अब वो भी सोने की हो गई है। तुम जल्दी से अब उसे फिर से पहले जैसा कर दो। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं, इसमें मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इसका एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुम्हें राजकुमारी को ठीक करने के लिए अमरकुंड में रहने वाली डायन की माला का एक मोती लाकर राजकुमारी के शरीर से स्पर्श कराना होगा। अमरकुंड की डायन? हे जिन, मुझे इस डायन तक पहुंचने का रास्ता बताओ, मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा? तुम्हें इसके पास जाने के लिए निर्मलकूट की पहाड़ियों को पार कर घाटी की गुफा में जाना होगा और सूरज डूबने से पहले वापस आना होगा। जिन की ऐसी बातें सुनने के बाद गुड्डू चिराग को अपने साथ लेकर निर्मलकूट की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। कई घंटे लगातार चलने के बाद और कई व्यावान जंगल पार करने के बाद गुड्डू घाटी की गुफा के बाहर पहुंच जाता है। गुफा के बाहर ही गुड्डू को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई डायन अंदर जोर जोर से मंत्र पढ़ रही हो। गुड्डू हिम्मत करके धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है और उस डायन को देख कर डर जाता है। वो डायन देखने में ही इतनी भयानक थी कि किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हो सकती थी। गुड्डू ने अपनी मदद के लिए जिन को बुलाया और कहा, हे जिन, क्या तुम इस डायन की बात कर रहे थे? मुझे इस डायन के गले से माला निकालनी होगी। हाँ मेरे आका, बिल्कुल इसी की बात कर रहा था मैं। लेकिन इसके गले से माला निकालने गया तो ये मुझे जान से मार देगी, अब तुम ही कुछ करो। ऐसा सुनकर जिन अपनी जादुई शक्तियों से इस समस्या का एक समाधान निकालता है और कहता है, मुझे इसके गले से माला निकालने का एक तरीका मिल गया है। हे जिन, मुझे जल्दी से उस तरीके के बारे में बताओ, बहुत ही जल्दी सूरज भी डूबने वाला है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से यह पाया है कि इस गुफा के बाहर एक
कौवा बैठा है जिसके अंदर इस डायन की जान है। हमें सबसे पहले उस कौए को जान से मारना होगा जिससे यह डायन भी मर जाएगी और इसके गले से मोती निकाल कर हम राजकुमारी को फिर से पहले जैसा कर लेंगे। जिनकी ऐसी बात सुनकर गुड्डू गुफा के बाहर जाता है और चुपचाप उस कौए को पकड़कर जान से मार देता है जिसकी वजह से अंदर बैठी डायन भी मर जाती है। इसके बाद गुड्डू उसके गले से माला निकाल कर उसका मोती राजकुमारी को छुआ देता है जिसके बाद राजकुमारी फिर से पहले जैसी ही हो जाती है। मेरे आका इस वीडियो को लाइक करो और अपनी 3 विशेस कमेंट में लिखो तो मैं उन्हें जरूर पूरी करूँगा। रायनगर में बसा था एक छोटा सा सुंदर सा गांव बहादुरगढ़। इस गांव में रहता था एक जुलाहा अश्विन और उसकी पत्नी रेनू। अश्विन एक नंबर का आलसी और नशेड़ी किस्म का आदमी था। दिन भर वो दारू के नशे में चूर रहता। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी रेनू दिन भर मेहनत करके परिवार को पालती। अजी सुनते हो, जरा उस तरफ जाके बैठे, देख रहे हो झाड़ू लगा रही हूँ। अरे झाड़ू लगा रही हो तो मैं क्या करूँ, मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहीं पे बैठा रहूँगा। जा यहाँ से, मेरा सर मत खा। हाँ हाँ यही तो, सब मुझे ही करना पड़ेगा। घर के काम मैं करूँ, काम करके घर भी मैं चलाऊँ और तुम ये सब करके पड़े रहो। अगर हाथ की कारीगरी मैंने पिताजी के हाथ से ना सीखी होती तो ना जाने क्या होता। हाँ हाँ बुनना सीख के तो तू मुझे खिला रही है ना, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, तू अपने काम से काम रख। अश्विन रोज सुबह शाम नशे करता और अपनी पत्नी से खूब लड़ाई करता। रेनू भी 8 महीने से गर्भवती थी और इस बात का पता जब अश्विन की माँ को चला तो वो गुस्से से भर गई। अरे वो तेरी मनहूस बहू रानी पेट से है, अब एक और इंसान का खर्चा करना हमारे बस का नहीं है। कह देती हूँ जल्द से जल्द उसका कुछ कर। उसका तो माँ मैं ऐसा इंतजाम करूँगा, ना वो रहेगी और ना उसका आने वाला बच्चा, तू बस देखती जा। अगले दिन अश्विन दारू के नशे में आता है और रेनू के पेट पर एक डंडे से प्रहार करता है। उस बेचारी से खूब लड़ता है, यहाँ तक कि उसके चरित्र पे भी लांछन लगाता है। आराम करने की हालत में भी मैं पूरा पूरा दिन काम कर रही हूँ, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ध्यान रख रही हूँ। अब तो कम से कम मुझे चैन से जीने दो, मेरा नहीं तो इस आने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अरे नहीं चाहिए मुझे तू और तेरा बच्चा, मेरे घर से अभी के अभी निकल जा तू और हो सके तो कहीं जाके डूब के मर जा। ये सारा ड्रामा होते हुए अश्विन की माँ बाहर खड़े होकर चुपचाप देख रही थी और मन ही मन खुश भी हो रही थी। रेनू बेचारी ऐसी हालत में जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी और अब कुछ ही देर में दिन भी ढलने वाला था। तभी रेनू की नज़र जंगल में ध्यान लगा रहे एक साधु पर पड़ती है। ऐसे में रेनू उन साधु के पास ही ठहरने का निश्चय करती। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, आप बस मुझे आज रात सर छुपाने की जगह दे दो, आपका बहुत उपकार होगा बाबा। पुत्री तुम यहाँ इस जंगल में ऐसी हालत में क्यों आई हो? क्या करूँ बाबा, मेरी मजबूरी है। अब रेनू सारी बात साधु को बताती है और उनसे मदद मांगती है। तुम कुछ दिन तक यहीं मेरी इस कुटिया में रह सकती हो, मैं इस हालत में तुम्हें जंगल में जाने नहीं दूंगा। रेनू साधु की बात मान लेती है और वहीं उस कुटिया में कुछ दिन के लिए रुक जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया। देखिए ना बाबा, अभी से कितना शैतान है, ये बहुत परेशान करता है। नटखट है एकदम कृष्ण कन्हैया की तरह। बाबा इसके नाम के बारे में भी तो कुछ सोचिए, मैं इसे क्या नाम दूँ? कृष्णा, इसका नाम कृष्णा होगा, उन्हीं का अंश झलकता है इसमें। धीरे धीरे कृष्णा बड़ा हो गया और उसकी शिक्षा दीक्षा जंगल में ही साधु ने करनी शुरू कर दी। समय के साथ साथ साधु बाबा भी बूढ़े हो चले थे और अब उन्हें रेनू और कृष्णा की चिंता सताने लगी थी। फिर एक दिन, सुनो पुत्री मेरा समय अब निकट आ गया है, मैं अब ज्यादा दिन तक यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए जीवित नहीं रह पाऊंगा।
नहीं नहीं ऐसा मत कहिए बाबा, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं तो चाहती हूँ मेरी उम्र भी आपको लग जाए। नहीं पुत्री, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी वर्षों की तपस्या से प्राप्त की गई मेरी सारी सिद्धियाँ मैंने इन बाणों में डाल दी हैं। ये तुम्हें कठिन समय आने पर जरूर बचाएंगे। ध्यान रखना, इन बाणों में एक बाण अद्भुत रूप से चमत्कारी है। इन बाणों में है एक बाण अद्भुत रूप से चमत्कारी, कठिन समय में काम आएगी तुम्हारे हाथ की कलाकारी। इतना कहकर साधु ने अपना धनुष और बाण रेणु को दे दिए। साधु को जब इस बात का एहसास होने लगा कि अब वो जीवित नहीं रहेंगे, तब वो चुपचाप अपनी कुटिया को छोड़कर वहां से निकल गए, ताकि उनकी मृत्यु का बोझ रेणु और कृष्ण पर न आ सके। रेणु ने जब अगले दिन साधु के स्थान को खाली पाया, तब वो समझ गई कि बाबा अब जिंदा नहीं बचेंगे। अब तक तो मैं और मेरा बच्चा बाबा के द्वारा मांग कर लाई गई भिक्षा से गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब अपना जाने कैसे हमारा गुजारा चलेगा। कृष्णा, ओ कृष्णा, मैं नदी से पीने का पानी लेने के लिए जा रही हूँ, इस बीच में तुम कोई शरारत मत करना। ठीक है माँ, मैं घर में ही रहूँगा और कोई शरारत नहीं करूँगा। रेणु पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकल जाती है, और इधर कृष्णा की नजर साधु के उस धनुष बाण पर पड़ती है। वह उन्हें एक खिलौना समझकर खेलने के लिए निकल जाता है। खेल खेल में कृष्णा के हाथ वो ही बाण आ जाता है जिसे साधु ने एक अद्भुत बाण कहा था। कृष्णा उस बाण को एक झाड़ी की तरफ छोड़ता है, और वो बाण जाकर एक गाय को लगता है, जिससे वो गाय बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। कृष्णा अपनी माँ की पिटाई के डर से चुपचाप वहाँ से अपनी कुटिया की तरफ निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह रेणु ने देखा कि एक गाय उसकी कुटिया के बाहर आकर खड़ी है। उसने उसे थोड़ी सी हरी घास खाने के लिए दी और वहाँ से चली गई। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बेटा, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, तुझे खिलाऊं भी तो क्या खिलाऊं। दरअसल साधु के दिए चमत्कारी वाण लगने के कारण वो गाय एक चमत्कारी गाय बन चुकी थी। गौ माता अपनी शक्तियों से रेणु की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जान गई, और वो तुरंत रायनगर की तरफ जाने लगी। रायनगर पहुंचकर गाय चुपचाप से रेणु के घर से रेणु का पुराना चरखा और कुछ सामान उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रेणु जब गौ माता को उस चरखे के साथ देखती है तो बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मेरे पिताजी का चरखा है, लेकिन गोमाता, ये आपके पास कैसे आया? आखिर आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? तभी रेणु को अचानक से साधु की कही हुई बात समझ में आ जाती है। इन वाणों में है एक वाण अद्भुत रूप से चमत्कारी, कठिन समय में काम आएगी तुम्हारे हाथ की कलाकारी। हाँ, अपने हाथ की कलाकारी, अब समझ आया बाबा के हाथ की कलाकारी से क्या मतलब था। इतना कहकर रेणु ने उस चरखे की मदद से बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनानी शुरू की, और अगले दिन उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल गई। रेणु बाजार से साड़ियाँ बेचकर वापस जंगल जा रही थी, तभी अश्विन ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही मनहूस रेणु है, ये अभी तक मरी नहीं क्या? चुपचाप इसके पीछे जाकर देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अश्विन जब जंगल में जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। अश्विन सारी बात आकर अपनी माँ को बताता है। अच्छा, इसका मतलब वो कलमोही अभी तक जिंदा है। इस बार बेटा तू देख जा, अब नहीं बचेगी वो। अब आगे अश्विन और अश्विन की माँ रेणु और उसके बेटे के साथ क्या करेंगे, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2, तो आप कमेंट करिए पार्ट 2।